वेलकम गाइड ऑन सिविल दिल्ली IAS YouTube चैनल, आप सभी का स्वागत है CSAT के कोर्स में। हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, 2023 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा, मैं आप लोगों को टॉपिक भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि रिमाइंडर निकालने का क्वेश्चन है, तो मैं सिखाऊंगा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, पहले खुद से ट्राई करो, पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद ही मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। मैं आपको एक मिनट का टाइम दूंगा, दो मिनट का टाइम दूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहो कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, तब जाके हम लोग क्लास को लेके जाएंगे। हर सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हर सेशन के अंदर 4 या 5 कॉन्सेप्ट हम लोग जरूर सॉल्व करें। आज की क्लास में मैं 3 कॉन्सेप्ट सॉल्व करूंगा नंबर सिस्टम के। पहला चीज कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, दूसरा रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं डिविजिबिलिटी के रूल्स, जो डिविजिबिलिटी के रूल्स होंगे वो क्या होते हैं, उससे भी हम लोग रिमाइंडर और यूनिट डिजिट निकालने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें होंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे ये चीज करिए कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसका आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। मैं विदाउट एनी डिले पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं, ठीक है। चलो, मेरा ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने पहले समझा दिए थे, लेकिन मैं आज फिर से समझाऊंगा। मेरा पहला क्वेश्चन आपका यहां से है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यानी मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, यानी एक्सप्रेशन क्या है आपके पास में 57242, और इसकी पावर है आपके पास में 9×7×5×3×1। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या है, इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। आप पहले मुझे बताओ कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। अपने नोट्स बनाते चलो। इस सवाल को भी करेंगे, मैंने आपको सवाल दिखा दिया, अब सीखो कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, ठीक है। फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करवाऊंगा आपको। पहला चीज देखो, जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालने का क्वेश्चन आए, आपको पहले यह देखना है कि जो नंबर है जिसकी पावर दी हुई है, उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। आपको क्या देखना है कि जैसे हमारा क्या सवाल है, ये हमारा सवाल है 57242 और इसकी पावर 9×7×5×3×1। अब इस नंबर की पावर दी हुई है, तो ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट। जो भी बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। कैसे निकला है ये मैं समझाऊंगा, घबराओ मत, सुनो। जैसे मान लीजिए कि ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आपको देखना है, आपको क्या याद रखना है, अगर मान लेते हैं कि ये यूनिट डिजिट जो नंबर है जिसकी पावर दी हुई है, उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर वन है, 0 है, 5 है, 6 है। ध्यान से सुनो मेरी पहली बात को, अगर यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो इनकी कितनी भी पावर हो, यानी मतलब अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और इसकी कितनी भी पावर हो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। दूसरा 0, अगर कोई भी एन नंबर की पावर, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज आप आंसर बताइए, अगर, और जिन बच्चों को भी आंसर नहीं आ रहा है अभी आंसर आ जाएगा उनका, लेकिन बस एक बार सीखते रहो। मैं क्या कह रहा हूं, जिस भी नंबर का पावर दिया है और उस पूरे एक्सप्रेशन का आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, आपको क्या करना है, आपको उस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है। अगर वो यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, ये लेंगे हम लोग केस 1। तो अगर मान लीजिए उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसकी कितनी भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट 5 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है और पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, ये बात सभी बच्चों को समझ में आई। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में सही बच्चे बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं। 1056, अगर किसी नंबर का
यूनिट डिजिट है और उसकी कोई भी पावर दे रखी है और उस पूरे एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट है उसमें 1056 खुद ही रिपीट होते हैं। ये चीज आपको सीखनी होगी। इसी समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई? चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन है 25 की पावर 25, एक एक्सप्रेशन है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ 25 की पावर 25 यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताओ मुझे इस एक्सप्रेशन का, प्लीज लेट मी नो द यूनिट डिजिट क्या होगा विदाउट एनी सोल्यूशन। और आप क्या बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। एक बार पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर। आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्लास सही से स्मूथ नहीं जा पाएगी, क्योंकि देखो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये मैं साबित कैसे कर सकता हूं किसी को? आपके आपके एप्रिसिएशन से कर सकता हूं। इसलिए आप लोग ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि सी सेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम इसे बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे इस प्रॉब्लम को। मैं एक और सवाल पूछता हूं आपको। लेट्स एक नंबर है 36151, ऐसा कोई नंबर है, इसकी कोई पावर है 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स से। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा? एक बार बताओ, 1 क्या आएगा? 1। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया, इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर और उसकी कोई भी पावर हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या यूनिट डिजिट आएगा, ये डिपेंड करता है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। अगर वो यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो यही नंबर आपस खुद यूनिट डिजिट आते हैं। 1 के केस में 1, 0 के केस में 0, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6। यहां तक सभी को समझ में आया? आगे बढ़ूं? अब हम चलते हैं 4 और 9 की तरफ। दूसरा मैं क्या बताऊंगा, अगर मान लीजिए 4 हो या 9 हो तब क्या होगा, ठीक है? 4 हो या 9 हो तो याद रखना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ये हो गया आपका 4, कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अब इस नंबर की अगर जो पावर n है, अब ये n अगर इवन है, अगर ये n इवन है तब जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 6। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। और अगर ये n ओड है तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? अगर n इवन है तो 6 और n ओड है तो 4। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 24, अगर 24 की पावर मैं ले यहां पे 12, 24 की पावर 12, मुझे फटाफट से यूनिट डिजिट बताओ इसका, 24 की पावर 12। देखो n को देखना है, n को, तो n क्या है? इवन, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? कोई नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 6, ठीक है? तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां पे? 6। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, अगर एक और एग्जांपल ले लो, 2, 4, 3, 9 ऐसा कुछ एग्जांपल लो और इसका कोई भी पावर लो 1, 2, 8 लेट से। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट मान लो आपको निकालना हो, क्या करोगे? अब देखो, सॉरी ये 4 कर दो, ये 4 कर दो, अभी 4 कर रहे हैं ना, 4 कर दो, तो 2, 4, 3, 4 इसकी पावर 1, 2, 8 क्या आएगा यूनिट डिजिट? अगेन इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। आप लोग पार्टिसिपेट करो भाई, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, सीखोगे तभी आगे बढ़ेंगे। चाहे मैं 4 ही सवाल कराऊंगा पूरी क्लास में, पर आपको सिखा दूंगा। अब आता है 9 का, 9 का क्या करना है, 9 का क्या करना है, ध्यान से सुनो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। और क्लास को प्लीज लाइक शेयर करो, ज्यादा ज्यादा बच्चों तक क्लास को पहुंचाओ प्लीज। अगर 9 है और 9 की पावर कोई n है, तो n अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। अगर n ओड है तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 9। तो अगर 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 n इवन है तो यूनिट डिजिट 1 है, ये 1 और अगर n ओड है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। प्लीज नोट्स बनाते चलो और पेन पेपर पे अपना लिखते चलो। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपसे, 729 इसकी पावर है, 729 इसकी पावर है, 729 फटाफट से मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा इस केस में? 729 की पावर 729 क्या होगा यूनिट डिजिट बताइए? ओड पावर है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? 9, ठीक है? क्या आएगा? इवन पावर में यूनिट डिजिट 1 है, पावर देखनी है, ठीक है? सुजाना से ये कहूंगा मैं, शायद गलत बोल दिया इन्होंने, गलत आंसर कर दिया है आपको, ये पावर देखनी है, पावर ये इवन है या ओड है? इवन तो समझते हो ना,
जो भी नंबर में दो का भाग जाएगा वो इवन है, जिसमें नहीं जाएगा वो ओड है। बहुत सरल परिभाषा है। अब आता है हमारे पास में दूसरे नंबर्स। अभी मैंने आपको किसका बता दिया, जीरो का बता दिया, वन का बता दिया, फाइव का बता दिया, सिक्स का बता दिया, फोर का बता दिया, नाइन का बता दिया। अब आपके पास में कौन बचे हैं, अभी आपके पास में बचे हैं थ्री, टू थ्री सेवन एट, टू थ्री सेवन एट। इनमें क्या करना होता है, इनमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। टू थ्री सेवन एट अगर आ जाए नंबर का डिजिट, मतलब ऐसा होगा कि ये नंबर होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या, तो टू हो या थ्री हो या सेवन हो या एट हो और उसकी कोई भी एन पावर हो, तब क्या करना है। क्योंकि हमारे सवाल में क्या है, हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहां पे देखो आप, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है, टू। क्या है ये, टू, और उसकी पावर दे रखी है। करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, करना क्या है इन चारों के केस में। देखो सबसे पहले इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर लो, 57242 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये देखो, 97 क्या होगा, 63, और 5 × 3 15, तो 15 को 63 से करोगे तो 15 को 3 से करोगे तो 45, 4 आ जाएगा, और 15 को 6 से करोगे तो 90, तो 945, तो क्या आ गया 945। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, लास्ट के दो पावर में, लास्ट के दो डिजिट पावर में, लास्ट के दो डिजिट ले लो, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 45 को यहां पे क्या है, 945 है ना, तो लास्ट के पावर, जो पावर में, अब यहां पे पावर देखनी है, पावर के लास्ट के दो डिजिट लेने हैं, और लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा, मान लेते हैं कि वो, अब यहां पे रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है, यहां पे रिमाइंडर क्या है, 1 आया है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से यूनिट डिजिट डिसाइड होगा। अगर मान लेते हैं कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 2। अगर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 3। अगर रिमाइंडर 4 होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। और डेफिनेटली अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 ज्यादा आएगा नहीं, मतलब 3 तक ही आएगा एक्चुअली रिमाइंडर। तो कहने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1, रिमाइंडर 2 तो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2, 3 तो 2 की पावर 3, 4 तो 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 में होगा, ऐसे ही 3 में होगा। जब आप ये देखो 3 वाले केस में भी यही होगा, 3 वाले केस में भी जो रिमाइंडर आएगा, जैसे माने रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 की पावर 1, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आएगा तो 3 की पावर 3, और रिमाइंडर 4 आएगा तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। किसके अंदर, इन द केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8, 2, 3, 7, 8 में यही करना होता है चारों के केस में। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जो पावर की लास्ट के टू डिजिट्स हैं उनको डिवाइड करना है 4 से। किससे, कितने डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना, उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना, और जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट बन जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, करना क्या है इन केस ऑफ 2, 3, 7, 8, इन केस ऑफ 2, 3, 7, 8 आपको करना क्या है, आपको एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं, एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं, जैसे यहां पे पावर क्या है 945, तो लास्ट के जो दो डिजिट हैं इनको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को, चाहे यहां पे 2 हो, चाहे यहां पे 3 हो, चाहे यहां पे 7 हो, चाहे यहां पे 8 हो, उस यूनिट डिजिट की पावर में लगा देना, समझ में आ गया। और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी यूनिट डिजिट आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 57242, तो यहां पे क्या आ गया 945, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो 45 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, कितना रिमाइंडर आया 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 1, तो आंसर क्या होगा, 2, योर आंसर विल बी ए, तो ए विल बी योर आंसर, ठीक है, ए विल बी योर आंसर। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं सभी को, कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये चीज समझ में आई सभी को। आयुष सिंह कुछ कह रहे हैं, ये बंदा इतने बार मेंस फेल हुआ है,
अब इसको मेंस देने का मन नहीं करता, करे जाता मार्क्स प्रीलिम्स कर लिया लेकिन खुद तो नहीं देखा कैपेबल है कि नहीं ये एग्ज़ाम के लिए। अब बताओ बच्चे भी कैसे कैसे, कोई बात नहीं यार, जैसा उनका अपना है, मैं तो कोई कमेंट नहीं करूँगा। भाई एक बार बताओ कौन सा आदमी सी सेट टेस्ट पढ़ा रहा है जो आईएएस बन के, सारे ही लोग वही हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, सारे एग्ज़ाम वो है ना, सारे लोग वो हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किए हैं। तो ये चीज़ अभी सभी बच्चों को, ये चीज़ है जो अभी सभी बच्चों को क्या होगा समझना चाहिए कि भाई तुम इतना हिट रेट जनरेट करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, इजंट इट। गलत बोल रहा हूँ मैं? एक सेकंड मुझे आंसर करने दो। हाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है यूपीडिया रोशन कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सपोज 8 की पावर 2 आए तो 8 की पावर का 264 यूनिट डिजिट, यस बिल्कुल ये ठीक है। अगर देखो इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है कि मान लो 8 है, अगर मान लो ये कोई नंबर है 8 है और यहाँ पे मान लो कुछ दो टू डिजिट डिवाइड करके मान लीजिए रिमाइंडर 2 आया था तो आपका यूनिट डिजिट क्या बना होगा, 8 की पावर 2 बनेगा ना यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो 64 बनेगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे, 4। बिल्कुल सही बात है, 4 बनेगा ना, वो थोड़ा सा दिमाग आप लगा लेना। बिल्कुल रोशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोशन इज करेक्ट हियर, ठीक है। देखो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, आप मेरा क्या है उसको भूल जाओ, आपको ये है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है। और इस सी सेट जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक भी टीचर मुझे लिया हो जो आईएएस बना हो भाई, किसी भी इंडस्ट्री में वही आदमी पढ़ा रहा है जो एग्जाम क्लियर नहीं किया है, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं। यू गेटिंग अ पॉइंट, आप समझ रहे हैं, यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो वो चीज है, आगे बढ़े। हाँ कंप्लीट पीवाईक्यू कराएंगे, ठीक है चलो। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, यूनिट डिजिट। इसका आंसर क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कैसे करना था इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट के दो डिजिट आपको देखने थे, और जिस हिसाब से आपको आंसर आ जाता, चलो ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, कोई भी टीचर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई भी टीचर भाई पास नहीं किया है पेपर को, आपको क्यों इतना वो है। एक सेकेंड, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रिमाइंडर 0 का, एडुपीडिया आप है वहां पर, मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भाई फुल बार चला गया, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 का फुल बार भाग चला जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ये पावर ये होती, एक बार एडुपीडिया आप देखो, अगर मान लेते हैं कि 5 7 2 42 9 4 4 पावर होती तो क्या होता, 44 डिवाइड होता ना 4 से, पूरा डिवाइड हो जाता है ये। तो जब जीरो रिमाइंडर आता है ना तो उसको आप 4 मान लो, क्या मानोगे इसको, 4। जीरो रिमाइंडर आएगा तो 4 मानना होगा। एडुपीडिया आप सुन रहे हैं प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड करो, तो 4 आएगा तो क्या करोगे फिर, 2 की पावर 4 16, तो यहां पे फिर रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा, 6। अरे मैंने सवाल के जवाब दिए कि नहीं, रोशन आपके सवाल के जवाब मिल गए, एडुपीडिया आपके सवाल के जवाब मिल गए, आपने एज भी तो देख ले इसलिए ये बात बोला। अरे आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, थोड़ा सा वो है हेटरेट जनरेट। अरे बच्चों को पढ़ने दो भाई, अभी बताओ, मैंने प्रॉमिस किया था कि नहीं भाई मैं सिर्फ आपको सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको फ्यूचर के सारे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को, एडुपीडिया आपका कम है, आपका क्लियर हो गया डाउट। जब भी जीरो आ जाएगा फुल डिवाइड होगा तो उसे क्या मानोगे, 4, क्या मानोगे उसको, 4, और फिर उसकी पावर के हिसाब से आपको आंसर आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, मैं सच बता रहा हूं, ये चीजें इग्नोर हो जाती क्योंकि मेरे को लगता कि यार हाँ ये बच्चे अपने आप कर लेंगे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसीलिए डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। दोनों डाउट क्लियर हो गए ना, कि 2 डिजिट आएंगे तो सिंगल वाला ले लेना और 0 आ जाएगा तो 4 ले लेना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अभी ये वाला सवाल करेंगे, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं चलो, ये भी यूपीएससी में आया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये समझाऊंगा, और ऐसा रामबाण देने वाला हूं ना मैं रिमाइंडर का, एक बार कमेंट बॉक्स में आप देखिए, ठीक है, ऐसा मैं आपको रामबाण दूंगा कि अब रिमाइंडर में आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है इस क्लास के बाद में। और ये सवाल तो बनाओगे, इसके बाद में ये वाला जो सवाल था 2 की पावर, ये वाला कि 2 की पावर कौन सा वाला सवाल था,
2 की पावर 192 बाई 6 इसको ही बनाएंगे, ये भी सॉल्व करेंगे और ये वाला सवाल भी सॉल्व करेंगे, दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स से मतलब मुझे बताते रहिए, कोई भी डाउट आप पूछते रहिए, मैं आपके सारे डाउट लेने वाला हूं, ठीक है। चले चलो देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो, रिमाइंडर के लिए रूल बना लो, पूरी लिस्ट बना लो कि कैसे रिमाइंडर निकालना है। पर रिमाइंडर होता क्या है ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए मैं आपको 5 को डिवाइड करता हूं लेट से 2 से, लेट से 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है मैक्सिमम, तो 5 4 आ जाएगा और यहां 1 आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करते जाते हो ना और लास्ट में आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर उससे छोटा हो जाता है, तो वो क्या क्या कहते हैं उसको हम लोग, रिमाइंडर, मतलब आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 5 को 5/4 हुआ 1 आया, तो ये 1 क्या बन गया, रिमाइंडर, क्योंकि आप 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज वो किस में आएगा, फ्रैक्शन के अंदर आएगा। वेनसडे, वेनसडे आंसर दे रहे हैं सोशल, देखते हैं ये समझ में आ गया अभी सारी बच्चों को कि रिमाइंडर क्या होता है। एक बार और एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, और एग्जांपल ले लो, चाहे कम पढ़ा दूंगा लेकिन ढंग से पढ़ेंगे, कम पढ़ा दूंगा। प्लीज शेयर और कमेंट करो, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इंस्टीट्यूट को ये कहने का कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपके कमेंट और लाइक से ही ये चीज हो सकती है, मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि ये सेटअप वेटअप मेरा नहीं है, ठीक है। पॉलिटी में व्यू कम आए थे, देख लो वो सेशन रुक गए, तो यही होगा। अगर आप चाहते हो कि सेशन कंटिन्यू होते रहे, आपका सपोर्ट मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके बिना मतलब एक टीचर की कोई औकात नहीं है, टीचर कुछ नहीं है अगर बच्चे उसके साथ में नहीं है तो। देखो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 256 या 255 ले लो और इसको मान लो 4 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो दो में तो जाएगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 टाइम चल जाएगा भाई, 4 का आप टेबल बोल लो, ठीक है, तो 6 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा, 24, फिर आगे आपके पास 15, लेकिन अभी और जा सकता है, 15 में भी जा सकता है, तो ये कितना आ गया, 3, तो लास्ट में कहेगा 3, तो ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर में खास बात क्या होती है, रिमाइंडर में खास क्या होती है, कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होता है, रिमाइंडर होता है उस नंबर से क्या होता है, वो छोटा होता है, ये चीज आपको देखनी है। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, चलो। अब ऐसे तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है, लेकिन इन क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना टफ है। अगर मान लो ये आ जाए, कौन सा क्वेश्चन है, एक बार रुको, कौन सा ही क्वेश्चन है, एक बार रुको एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है कि 10^10 को अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे सवालों को करना थोड़ा सा मुश्किल है, इन सवालों के रिमाइंडर कैसे निकलेंगे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो रिमाइंडर में आपको दो बातें याद रखनी होंगी, एक तो एडिशन का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, एक मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि दो नंबर हैं, एक नंबर ए एक नंबर बी, सुन लो, एक नंबर ए है एक नंबर बी है और एक नंबर सी है, और इसको मान लो किसी नंबर में एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका रिमाइंडर बताओ। मान लेते हैं कि एक नंबर ए है एक नंबर बी है एक नंबर सी है और तीनों सम एडिशन में है, और मैं कह रहा हूं कि भाई एक्स से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे केस में जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, सेपरेटली, यानी रिमाइंडर अगर आप ए नंबर को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्लस में रिमाइंडर अगर आप बी नंबर को डिवाइड करोगे एक्स से कितना आएगा, और एक रिमाइंडर जब आप सी नंबर को एक्स से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। तो इस तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट होता है, ये होता है एडिशन का रूल है। ये लिखते चलो, मैं पहले ही बता रहा हूं, लिखते चलो इसको। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि तीन नंबर मल्टीप्लाई में है और फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, मान लेते हैं कि तीन नंबर मल्टीप्लाई में है और फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होता है रिमाइंडर, जब आप सेपरेटली डिवाइड करते हो तब, तो रिमाइंडर जब ए को एक्स से मल्टी और एक्स से डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई में, रिमाइंडर जब आप बी को एक्स से डिवाइड कर रहे हो, और रिमाइंडर जब आप सी को एक्स से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ये दोनों थ्योरम आपको आनी चाहिए, ये दोनों थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। पहला चीज, अगर एडिशन में नंबर्स हैं तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो सेपरेटली जिनके रिमाइंडर्स आएंगे उनको सम कर देना, अगर मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो सेपरेटली रिमाइंडर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना। ये बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है ना, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ यहां तक सभी को क्लियर है, रिमाइंडर निकालना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी जगह काम आने वाला है आपको, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, यस थर्सडे सही होगा, लेकिन आएगा कैसे समझाऊंगा, पहले रुक जाओ। यहां तक सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ ना यहां तक, एक बार कमेंट बॉक्स से बता दो भाई, फिर मैं आगे बढ़ूं।
सम में क्या करना है, सबका रिमाइंडर एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लाई में क्या करना है, सबका रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास में है, पहले मैं ना इस सवाल को कर आपको, पहले मैं इस सवाल में क्या टेक्निक होगी इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इस सवाल में क्या टेक्निक होगी। हाँ प्लीज रिपीट सर, प्लीज रिपीट, ओके बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा करते हैं एग्जाम्पल से करते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास में 15 प्लस में 25 प्लस में 10 ऐसे कुछ नंबर है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक है, ध्यान से सुनो, 15 प्लस 25 प्लस 10 है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली रिमाइंडर देखो, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है 1, क्योंकि 7 × 2 क्या 14 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। आप 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 का 3 टाइम चल जाएगा 21, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। और 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना 3 और बटे में 7, तो ये कितना आ गया 4, 3 और 4 7 और 1 8 8। और इसको कब तक करना है, जब तक वो नंबर 7 से छोटा ना चला जाए, कब तक करना है, जब 7 से छोटा ना चला जाए। तो ये कितना आ गया 1 4 7, फिर उसके बाद 8 बनता है, अब 8 को फिर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। ये हो गया एडिशन का, इसको दोबारा वैसे भी कर लो। देखो 25 और 15 कितना हुआ, देखो इधर 25 और 15 40 40 और 10 50, तो 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और देखो ऐसे भी कितना आ गया 1। समझाने के लिए यूज किया था, आपको समझ में आ रही है बात, देखो थोड़ा हा? ओके कोई बात नहीं, इट्स अ टेन। ओके आगे देखो, फिर से अब मल्टीप्लाई में देखो, इसी नंबर को देखो मल्टीप्लाई में, 15 × 25 × 10 बटे 7, लेट्स से 15 25 10 बटे में 7। अब इसका रिमाइंडर बताओ फटाफट, जो कमेंट बॉक्स में मुझे रिमाइंडर बताओ, तो 7 करो तो ये किस, इसका कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 बटे में 7। अब ये कितना हो गया तुम्हारे पास में 12 बटे 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ये समझ में आया आपको, अभी तो आसान है, अब आपको क्लिक तो कर रहा होगा कि करना क्या है, यहां पर 10 10 10 करके करेंगे, आसान है बिल्कुल, मानते हो कि नहीं। देखो करना क्या है, सुनो, इस सवाल को सॉल्व अभी करने से पहले मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहले इस सवाल को मत देखो अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, वो करो। वो होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 10 to power 10 को 7 से डिवाइड करके मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 to power 10 को अगर सर क्लास 10th का कब से पढ़ेंगे, 10 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करो, मुझे बताओ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सुनो ध्यान से, 10 को 10 बार लिख लूं, ये यूनिवर्सल मेथड है, यही काम में लेना है हर जगह, बदलना मत, ऐसे नहीं कि 25 मेथड सर पे उठा लो, यही करना है, इसी से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसी, ये तो आया है सवाल, पता है ना सबको ये आया है सवाल, इसी मेथड से इसको सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने। ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो आप, 10 10 10 कितना आएगा, ये 10 times बटे में 7, 10 10 10 10 times बटे में 7। अब देखो वही क्या आ जाएगा यहां पे, 3 3 3 3 तो बचेगा, तो 3 × 3 × 3 × 10 times, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 10 upon 7। अभी आगे फिर जाएंगे क्योंकि ये जो नंबर है वो तो 7 से बहुत बड़ा है, अभी आगे फिर जाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इस 3 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कैसे कर सकते हैं बताओ, इस 3 को मैं 2 × 5 कर दूं, इस 3 को मैं 2 × 5 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अरे अब 3 की पावर 2 को सेपरेट ले लो, 3 की पावर 2 × 5 बटे में 7, अब ये क्या बन गया 9, 9 की पावर 5 बटे 7। अब 9 को फिर से वही करो, फिर 9 × देखो फिर से 9 × 9 × 9 5 times बटे में 7, अब कितना बचेगा
टू, तो ये आ गया क्लास में टू, तो टू की पावर फाइव कर दूं, वो तो सिंपल ही है यार, देखो यहां पे टू, यहां पे टू, यहां पे टू, फाइव टाइम्स टू की पावर फाइव बटे में सेवन। अब यहां पे आ गया आपके पास में टू की पावर फाइव बटे में सेवन, इसको सिंपल निकाल सकते हो क्योंकि टू की पावर फाइव क्या है, थर्टी टू बटे में सेवन, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर फोर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा फोर। एक ही बच्चे का सही आया है सोशल, सोशल का सबसे सही आया है, मुझे बताओ आपको चमका कि नहीं, बताओ एक ही जगह से यूज हुआ मल्टीप्लाई वाले रूल से। अब इसी से अगर बताओ आपको कॉन्फिडेंस है आप बना पाओगे टू की पावर 192 वाला, वही पावर अंदर लाके उसको बड़ा करना, फिर ऐसा करते जाना जब तक कि आपको एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो छोटा हो। हाँ करेंगे, उसको भी करेंगे, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा ले लेंगे यार, चिंता मत करो। ये फोर आ गया सबका, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फोर समझ में आया, आपको समझ में आया, एक बार आपका नाम क्या है, यश, यश आपको चमक गया, ये आपको चमक गया, कैसे निकालना है, रूल क्या है मल्टीप्लाई में, आपको जैसे कई किताबों में ये सॉल्यूशन मिल भी जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है वो, समझ में आया, तो ये चीज समझ में आई। अब हम इसको देखेंगे, यानी आपको पूरा समझ में आ चुका है कि भैया 10 अपॉन 7 का रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर क्या आया है फोर आया है। अब सवाल, चंचल कुमारी कह रही है नहीं सर, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, नंबर को तो पहले जैसे पावर में है ना वो, तो उसको तोड़ना है, जैसे 10 टू पावर 10 है। अब इसको क्या करना है, आप 10 इंटू 10 इंटू ऐसे लिख सकते हो 10 टाइम्स है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे में आप 7 है। और मैंने बताया था कि जब प्रोडक्ट में नंबर होते हैं ना तो उनका जो रिमाइंडर आता है वो कैसे निकालते हो, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके, तो जैसे 10 10 10 10 10 तो रिमाइंडर कितना आया 3 की पावर 10 हो गया, वो 3 की पावर 10 हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 आ गया था, इसमें 3 आ गया था। हाँ फिर से बता रहा हूं, इसमें 3 आ गया था। अब 10 की पावर 3 अपॉन 7 हो गया, क्योंकि जब तक करना है जब तक कि ये ऊपर वाला नंबर है ना इससे छोटा ना हो जाए वही तो रिमाइंडर बनेगा। क्या 7 का रिमाइंडर 10 बन सकता है, कौन बन सकता है, 6 5 4 ये बन सकते हैं। अब इसको फिर से मैनेज करना पड़ेगा कि 3 तो छोटा है 7 से और पावर बढ़ने की वजह से वो ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा इसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा, तो फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनको 2 इंटू 5 किया, 2 को 7 ले लो, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके पास में, 9 की पावर 5 अपॉन 7। अब आपको क्लियरली पता है कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5 टाइम आएगा, तो अब हर 9 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 बचेगा, तो क्या बचेगा 2, तो यहां पे फिर बचेगा 2 की पावर 5 अपॉन 7। अब कोई पावर से सॉल्व कर नहीं सकते इसको, क्योंकि कुछ भी बना लो क्या लोगे, यहाँ पे बना भी सकते हैं, खैर क्या नंबर आएगा, लेकिन वैसे सिंप्लीफाइड है, ओवर सिंप्लीफाइड है ये कि क्या बन जाता है आपके पास में 32 फिर से बड़ा है तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो, लास्ट में क्या आया आपके पास 4 जो कि छोटा है 7 से, और वही क्या होगा आपका रिमाइंडर। थोड़ा सा हो सकता है कि चंचल आपका जो थोड़ा बेसिक थोड़ा सा क्या डिवाइड वाला क्लियर नहीं होगा, वो भी मैं आपका अलग से कर लूंगा, लेकिन अभी तो सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस करने के, पूछो मत, तो मैं क्या ही करूं। देखो अब सवाल क्या है, इफ टुडे इज संडे व्हिच डे इज द एग्जैक्टली ऑन द 10th टू पावर 10th डे। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो, आज संडे है तो 10th टू पावर 10th डे क्या है, इसको अभी ऐसे मत करो, इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूं। चलो मैं पूछता हूं कि टुडे इज संडे व्हाट इज द डे आफ्टर 7th, मतलब आज के बाद जो 7वां दिन होगा, 7th डे होगा, क्या डे आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ कि अगर आज संडे है तो अगले 7वें दिन क्या आएगा, संडे आएगा, क्योंकि आज काउंट करके देख लो, अगर आज संडे है उसमें 7 जोड़ोगे तो वो संडे होगा, है ना। जैसे समझाता हूं कैसे, जैसे आज संडे है ये हो गया आपका टुडे, उसके बाद में मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर आ गया संडे, तो देखो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर आज संडे है तो अगला 7th डे होगा वो क्या होगा, संडे होगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज संडे है तो नेक्स्ट 10th डे कौन सा होगा, वेनसडे होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, दो तरीके हैं, एक तो मेरी तरह बेवकूफों की तरह करो सब ऐसे मंडे ट्यूजडे ऐसे करो, या किसी इंसान को स्मार्टली इतना पता है कि 7वां दिन तो संडे ही आना है तो मैं नेक्स्ट थर्ड अगला तीसरा दिन देख लूं बस, आप समझ रहे हो। स्मार्ट आदमी क्या करेगा वो, अगर हम मेरे जैसा बेवकूफ होगा वो तो क्या करेगा, वो बेचारा 10 दिन देखेगा आगे क्या होता है, लेकिन स्मार्ट इंसान सोचेगा कि 7th डे तो देखो ही मत,
आप सेवंथ के अगले वाले देखो, क्योंकि सेवंथ तो फिर से संडे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसने क्या दिमाग लगाया कि सेवंथ डे में आपको पता है कि हर सेवन की फ्रीक्वेंसी पे सेम डे रिपीट होगा, हर सेवन की फ्रीक्वेंसी पे सेवन डे रिपीट होगा, तो उसके बाद जो नंबर बचेगा उससे हम कैलकुलेट करना चाहिए हमें। और बचा हुआ नंबर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर। बचा हुआ नंबर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर से निकालते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10^10 तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हर सेवन डे पे संडे रिपीट हो रहा है, लेकिन हर सेवंथ डे पे संडे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो उनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो संडे 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 आ जाएंगे। जो लास्ट वाला जो मल्टीपल संडे होगा उसके बाद जो नंबर आएगा उसे हमें देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे ये जो नंबर है ना 10^10, ये कोई एक्स इंटू 7 है और प्लस में कुछ और नंबर है, समझ रहे हो? इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, रिपीट हो रहे हैं ना। इसलिए तो मैंने कहा कि हम लोग किसका किसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं, इस नंबर का रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ताकि मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकूं कि 10^10 भाग देने पे जो नंबर आया x इंटू 7 और प्लस में कुछ, क्योंकि इनको मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि वो तो संडे 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 आएंगे। यू गेटिंग द मैजिक? अब यहां पे व्हाट यू वांट? रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 4। तो अगर आज संडे है तो 4th डे क्या होगा? थर्सडे। द आंसर विल बी थर्सडे। अभी समझ में आया? मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में? आर यू लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? चलो अब ये सवाल हो गया ना, मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स से पूछूंगा इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो, और हर बच्चे को मैं 2 मिनट दूंगा, 2 से भी ज्यादा दूंगा, 3 मिनट दूंगा मैं हर बच्चे को। सवाल है ये, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ताकि मैं फिर जल्दी जल्दी रिपीट कर दूंगा ना। ये करो, चलो शाबाश, ये करो। 2^192 इसको 6 से डिवाइड करना है, 2^192 को 6 से डिवाइड करना है। मैं देखता हूं कौन फटाफट करता है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 3 मिनट्स फॉर सॉल्विंग इट, ठीक है? चलो मैं खुद कर रहा हूं, फिर आप करो, ठीक है? मैं खुद भी कर रहा हूं, फिर आप भी करो। एक बार सभी बच्चे इसको ट्राई करो। हाँ, इसमें आंसर 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, आंसर इस आंसर 0 नहीं आएगा इसका। सोलह में गया 6, 4^16/6। है 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करते जाओगे करते जाओगे, लास्ट में 16 ही बचेगा। देखो कैसे, आपको पता ही है, है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 4/6, तो फिर 16^4/6, फिर लास्ट में 4^4/6, फिर ये आ जाएगा आपके पास में 4^2
कितना बच गया ये, एक सेकेंड, 4 की पावर 2 उसकी पावर 2 अपॉन 6, तो ये 16 की पावर 2 6, फिर आ जाएगा आपके पास में 4 की पावर 2 अपॉन 6, तो आंसर आ जाएगा 4। हो गया सभी को? हाँ, इट्स वेरी लेंथी मेथड, कैन यू यूज द पावर ऑफ, हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, मैंने बस सिखाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो रोशन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बस सिखाया है ये आपको, इससे भी कर सकते हैं, जहाँ कम पावर हो वहाँ उसको यूज कर लो, ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर मेथड है। यहाँ पे पावर की ट्रिक लगा के करना वो एक सेट बैठ गया, लेकिन आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना, रिमाइंडर निकालते कैसे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो, इस सवाल को समझ लो, देखो यहां पे क्या है, 2 की पावर 192/6, 2 की पावर, ध्यान से सुनो, हाँ उमेश जी बता रहे हैं, व्हाट इज दिस, 2 की पावर 192/6, ठीक है। अब देखो मुझे ये नंबर क्या करना है, अरे ध्यान से सुनो, मुझे ये नंबर क्या करना है, 2 से बड़ा करना है, इवन 6 से बड़ा करना है, एक्चुअली 6 से बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया, जैसे वहां पे क्या किया था, 3 की पावर 2 किया था ना, तो ऐसे मैंने 2 की पावर 3 किया, इसे मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 किया, अब यहां पे ये क्या बना, 8 की पावर, फिर क्या हुई, 64/6, फिर ये आप देखो 6 को 8 में कितना रिमाइंडर आएगा, 2, तो यहां पे क्या आ गया, 2 की पावर 64/6। अब देखो 3 तो आएगा नहीं, यहां पे 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 64 को 3 के मल्टीपल में आप कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते ना, तो हम 4 में जाएंगे, तो हम क्या जाएंगे, रोंग है ये, अरे भाई कहां रोंग है, ये रोंग है, ये 2 की पावर 64/6, उसके बाद क्या होगा, वही 2 की पावर 4 16 कर दिया, हमें तो 6 से बड़ा नंबर लेना है बस, तो ये क्या बन गया फिर, 16 की पावर 16/6, इसको कितने से, अगर 6 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 4 की पावर 16, अब तोड़ते जाओ, फिर हमने इसको क्या किया, वापस से 2 × 8 किया, फिर 16/6, तो ये क्या बना, है 16 बना ना, ये 16 बना ना, 16 को फिर 6 से करेंगे तो ये क्या बना, 4 की पावर 8/6, फिर इसको फिर तोड़ लो, 4 की पावर 2 4, फिर ये 16 से क्या बना, फिर ये क्या बन गया, यहाँ आ गया 4 की पावर 4, और फिर 4 की पावर 4 को फिर से तोड़ लिया हमने, 4 की पावर, ये रहा 4 की पावर 2 × 2, तो फिर क्या बना, 16 की पावर 2 6, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 4 बचा, फिर 4 की पावर 2 अपॉन 6, और अब ये क्या, 16/6, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 4। ये एक्चुअली ये मेथड मैंने आपको समझाया है पिछले वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए, इसका एक आसान तरीका भी है, ध्यान से सुनो, इसका आसान तरीका क्या है, समझाया है, या रोशन आपको समझ में आई ये बात, रोशन आप हैं क्लास में, समझ में आई, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेथड हमने सीखा था वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह लगता है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, देखो आपको पता है 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, आपको पता है 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, आपको पता है 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4, तो जब 2 की पावर होता है, जब 2 की पावर होता है तो उसमें क्या होता है कि ओड पावर होगी ना, ओड पावर, तब रिमाइंडर 2 ही आना है, और जब इवन पावर होगी तो रिमाइंडर 4 आना है, ठीक है। रिमाइंडर ओड हो, क्या बोल सकते हैं, ओड है, ओड, जब ओड पावर है तो रिमाइंडर 2 है, इवन पावर है तो रिमाइंडर 4 है। अब यहां पे क्या है, पावर इवन पावर है ना, ओड पावर तो रिमाइंडर 2, इवन पावर तो 4, तो यहां पे क्या है, इवन पावर है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन एक बात बताओ, सीखने में क्या जाता है, ऐसे ऐसे बौखला जाते हो, अरे भाई तुमने नई चीज सीखी कि नहीं, अब आपको इस ध्यान से सुनो, अब आपको इस तरीके से इस तरह के सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना है, कई बार होगा। चलो मैं रोशन आपको एक सवाल देता हूं, चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप सभी बच्चों के सवाल देता हूं, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से 15 की पावर 5 अपॉन में 11, इसका बताओ मुझे फटाफट, ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन वैसा भी कर सकते हैं। देखो मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेट किया था कि मैंने जो सिखाया वो कॉन्सेप्ट है और वो हर जगह लगेगा, मैंने ये सिखाया, मैं कह ही नहीं रहा कि ये लेंदी नहीं है, भाई लेंदी है, इसलिए तो उसको उस तरीके से करा मैंने। दोबारा 15 की पावर 5 को 11 से डिवाइड करो, मुझे रिमाइंडर बताओ इसको, एक बार मुझे इसका रिमाइंडर बताओ फटाफट कैलकुलेट करके, रोशन यू एडुपीडिया प्लीज इसका बताओ, रिमाइंडर बताओ क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5
बटे 11 और यहां पे फिर पावर को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, ठीक है, ऐसे में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको और तोड़ लो तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 बटे में 11, तो कितना होगा, ये हो गया आपके पास 16, ठीक है 16, और ये कितना हो गया 16 × 4, और अभी डिवाइड कर लो फिर से, मतलब ऐसे इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सवाल कैलकुलेट कर सकते हो, निकालो इसका आंसर निकालो, ठीक है इसका आंसर निकालो 15 की पावर 5/11 का, 15 को डिवाइड करोगे, अरे 15 डिवाइड होगा 11 से तो 4 बचेगा ना, और 4 को जब 5 बचेगा और फिर 11 होगा, ठीक है आगे फिर ये वो उसमें अभी इसको तो बना नहीं पाओगे क्योंकि पावर तोड़ नहीं पाओगे, 5 को कैसे तोड़ोगे भाई, 5 को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको आपका मैनुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है मैनुअली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फटाफट आंसर बताओ, यस यस रोशन आंसर बताओ, रोशन इज टेलिंग द आंसर, तो यहां पे फिर से मैंने तोड़ दिया इसको 16 और 4, इसको देखो कैसे कर सकते हो, 16 को करोगे तो 5, इसको भी करोगे तो 5 × 4/11, ठीक है तो ये कितना हो गया 100 को 11 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो किसके साथ सही गया है भाई, रोशन का सही है, रोशन का बिल्कुल ठीक है, अरे बहुत सरल है यार ये, बस आपको करना क्या है, आपको एक मेथड याद रखना है कि अगर चीजें नंबर अगर चीजें मल्टीप्लाई में है ना तो इंडिविजुअली जो रिमाइंडर आते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, चलो अब फटाफट से हम दूसरे सवालों की तरफ जाते हैं, चलो मैं आप लोगों से ना बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आप लोग तैयार रहो, मैं सिर्फ इसको डेमोस्ट्रेट किया हूं, उस तरीके से भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ आपको दो कॉन्सेप्ट आज सीखने को मिले हैं, पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, एक तो यूनिट डिजिट वाला और दूसरा रिमाइंडर वाला, अब तीसरा मैंने क्या बताया था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वो मैं सिखा रहा हूं, एक बार ये वाला सवाल करो, ये देखो ये करो, चलो इसमें आओ रोशन, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, ये वाला सवाल देखो, फॉर एनी चॉइस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, 6-डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई, आपको बताना है 7 and 11, 11 and 13, 7 and 13, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल यहां लगेंगे, देखो ये सवाल आपको कंफ्यूज कर रहा है भाई, एक्स वाई जेड दे दिया, लेकिन वो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है, अगर मान लीजिए आप x को 1 ले लो, y को 2 ले लो, z को 3 ले लो, तो नंबर क्या है आपके पास में, 1 2 3 1 2 3, बस चेक कर लो इसका, इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 7 से चेक कर लो, 11 से चेक कर लो, 13 से चेक कर लो, 7 से 11 से 13 से, अब मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, अपने आंसर आ जाएगा, सरल है बिल्कुल, एग्जामिनर ने सिर्फ आपके साथ खेला है एक्स वाई जेड दे करके, लेकिन उसने कहा भी तो है एनी चॉइस, कह रहा है क्या, क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे, एनी चॉइस, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा x 1 2 3 ले लो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, तो 1 2 3 1 2 3 नंबर है, इसको हम चेक करेंगे, इसकी डिविजिबिलिटी 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी हम इसको चेक करेंगे और आंसर को निकालेंगे, फटाफट है सभी बच्चे मुझे बताओ 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, चलो शुरू कर दो, नोट्स बनाओ अपने डिविजिबिलिटी रूल्स, तो बताओ 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आपका यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 2, तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका यूनिट डिजिट 2 है, अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है, जैसे 10 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ये चीज याद रहेगी, अभी इसके बाद हम लोग करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, बाकी रूल्स भी एक बार देखेंगे, ठीक है, वैसे नहीं इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ठीक है, और नंबर ओवरऑल कैसा होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, अगर आपका लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको 2 से डिविजिबल मानेंगे, ठीक है आगे देखो,
अगर आप लिख लो ये रूल लिख लो कि इफ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर दैट देन इट विल बी डिविजिबल बाई टू, इट विल बी डिविजिबल बाई टू, ठीक है। उसके बाद थ्री से डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द रूल फॉर थ्री डिविजिबिलिटी बाई थ्री, ठीक है। हाँ, एनी डिजिट डिवाइड बाई द टू, ये भी टू की डिविजिबिलिटी है ना। मल्टीपल तरीके से आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो रोशन मुझे बताओ, तीन से डिविजिबिलिटी का रूल बताओ, तीन से डिविजिबिलिटी का रूल बताओ मुझे। अगर सम ऑफ द डिजिट, लिखो ध्यान से सुनो, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई थ्री, देन वो उसमें किसकी डिविजिबिलिटी होगी, थ्री की डिविजिबिलिटी होगी। अगर सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल है थ्री से, तो उसमें किसकी डिविजिबिलिटी होगी, थ्री की डिविजिबिलिटी होगी। ये लास्ट टॉपिक है आज का। थ्री क्या है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री, तो उसमें किसकी डिविजिबिलिटी होगी, थ्री की। एक एग्जाम्पल ले लें, 7 to 9, सम ऑफ डिजिट क्या है यहां पे, 7 + 2 + 9 कितना हो गया ये 18। इसको थ्री से डिवाइड करोगे, हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। सम ऑफ डिविजन या सम ऑफ द जो डिजिट्स हैं अगर वो थ्री से डिवाइड हैं, तो वो चीज किससे, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा। चलो फोर की डिविजिबिलिटी बताओ, फोर फटाफट बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास में इतना, आई डोंट हैव मच टाइम, जो कि खत्म भी करना है सेशन। फोर की डिविजिबिलिटी, लास्ट टू डिजिट्स, आपको क्या देखना है, लास्ट टू डिजिट्स। अगर लास्ट के टू डिजिट फोर से डिवाइड है, लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, प्लीज मेक द नोट्स। लास्ट के दो डिजिट अगर फोर से डिवाइड है, तो वो किससे डिविजिबल है, वो नंबर फोर से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लिख लो, 944, लास्ट के दो डिजिट अगर फोर से डिवाइड है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा। फाइव डिविजिबिलिटी बाई फाइव से डिविजिबिलिटी। अगर यूनिट डिजिट जीरो और फाइव है, अगर यूनिट डिजिट जीरो और फाइव है, फटाफट लिखते चलो कमेंट बॉक्स में, प्लीज लिखते चलो, सीखते रहो यार। अगर लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो जीरो और फाइव से डिवाइड हैं, लास्ट के दो डिजिट अगर चार से डिवाइड हैं, तो वो फोर से डिविजिबल है, और लास्ट का डिजिट अगर जीरो और फाइव है, तो वो किससे डिवाइड है, फाइव से डिवाइड है। क्लियर है। सिक्स का बताओ फटाफट, जो दो और तीन दोनों से डिवाइड है, सिक्स में लिख लो, ऐसा नंबर जो दो और तीन दोनों से डिवाइड है, एनी डिजिट हु इज डिविजिबल बाई टू और डिविजिबल बाई थ्री विल बी डिविजिबल बाई द सिक्स। एनी डिजिट डिविजिबल बाई टू और डिविजिबल बाई थ्री विल बी डिविजिबल बाई सिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल 96, एग्जाम्पल इज 96, 96 इज डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई थ्री, तो डिविजिबल बाई सिक्स। अब यह सबसे खतरनाक है, सेवन की डिविजिबिलिटी देखेंगे एक बार। सेवन की डिविजिबिलिटी टफ है, ध्यान से सुन लो कैसे करेंगे सेवन की। मैं यहीं इसी का नंबर लेता हूं, क्योंकि हमें यहां जरूरत भी है सेवन की डिविजिबिलिटी की। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1 2 3 1 2 3, ध्यान से देखो बच्चों, 1 2 3 1 2 3 मैंने नंबर लिया है ना, एक्स को मैंने क्या माना है, 1, वाई को मैंने 1 और जेड को मैंने 1, ऐसे माना है। सेवन की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, आपको यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट इसका डबल करो, यूनिट डिजिट को डबल करो, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्ट करो बचे हुए नंबर से, क्योंकि तीन का डबल कितना हुआ है, सिक्स। अब सिक्स को बचे हुए नंबर से डिवाइड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया, क्या बचेगा अभी बताओ मुझे, ये बचेगा, अरे 12 में 6 गया तो 6 यहां 0 हो जाएगा, बाकी ऐसे कैसे, समझ में आया। अब फिर से इसका क्या करो, डबल करो, जब तक कि आप उसे सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में कन्वर्ट ना कर ले, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो, जिस नंबर को आपको 7 की डिविजिबिलिटी देखनी है, उसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करो, यूनिट डिजिट को डबल करो, और जो रेस्ट ऑफ नंबर है उसमें से उस डबल को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, उसमें से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब 1 2 3 1 2 by 6 है, तो 6 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो अभी क्या बना, 1 2 3 0 6। अब फिर से 6 का क्या करूंगा, डबल करूंगा, और फिर क्या करूंगा, इसको
फिर सबट्रैक्ट करूंगा, तब तक सबट्रैक्ट करना जब तक कि दो डिजिट में ना जाए। फिर से घटाओ, क्या बनेगा? देखो सिक्स में से टू गए तो सिक्स तो हटा देंगे ना। हाँ हाँ, गुड 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 गुड, यार देखो मैं खुद ही गलती कर रहा था। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन टू थ्री जीरो, फिर क्या घटाओगे? ट्वेल्व। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से टेन में से टू गए तो कितना आ गया? एट। और दो में से एक गया तो एक, और फिर दो एक, यही बचेगा। और फिर ये क्या बचा हमारे पास में? एट। इसका क्या करना है आपको? टू से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये क्या होगा? सिक्सटीन। सिक्सटीन हुआ तो वन टू वन, इसमें क्या सेपरेट कर दो? सिक्सटीन। ठीक है, सिक्सटीन में क्या बना फिर? वन जीरो फाइव, 105 ही तो हुआ, 16 सेपरेट करेंगे तो। अब 105 में फिर से क्या करो? 5 को, हाँ 105 यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। 105 इज डिवाइड बाय द 7। तो जब तक आपको चलते रहना, जब तक आप ऐसा नंबर ना ले लो जिससे आप वो क्या ना हो, फुल्ली डिवाइड ना हो जाए। सर ऑनेस्टली यू नीड टू कम अप विद सम प्रिपरेशन लाइक फ्यू कॉन्सेप्ट एंड 20 PYQ प्रैक्टिस इफ प्रिपरेशन। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से सेवन को डिवाइड करते हैं। सेवन से डिवाइड कैसे करते हैं बताया मैंने आपको, कि आपको यूनिट डिजिट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है दो से, फिर आपको सबट्रैक्ट करना है, फिर आपको सबट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ नंबर से, रेस्ट ऑफ नंबर सबट्रैक्ट करना है, और जब तक करना है जब तक कि वो नंबर वहां तक ना पहुंच जाए जो उस सेवन से फुल्ली डिवाइड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, वहां तक ना पहुंच जाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आ गया आपके पास में सेवन से, ये डिवाइड हो रहा है सेवन से। समझ में आ गया आपको? सेवन का समझ में आया। अब आता है हमारे पास में एट्थ। एट्थ का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, एट्थ का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। हाँ हाँ, अरे हम प्रोसेस वो हो सकता है, फाइव का रूल नहीं है भाई। फाइव का रूल में जीरो और फाइव देखना पड़ता है यूनिट डिजिट में। यहाँ पे जीरो फाइव देखते हैं उसमें, वो प्रोसेस ही वैसे है, शुरुआती नंबर से उसको इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है ठीक है, अब एट का देखो लास्ट के थ्री डिजिट, अगर लास्ट के थ्री डिजिट्स जो है ना, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं एट से, तो वो किससे डिवाइड है? एट से डिवाइड है। इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई एट, इफ लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई एट, तो वो किससे डिवाइड होगा? लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई एट, देन इट्स डिविजिबल बाई एट। नाइन से क्या रूल है? इफ सेम रूल, इफ सम ऑफ डिजिट आर डिवाइड बाय द नाइन, लिखो, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय नाइन, देन नंबर इज डिविजिबल बाय नाइन। या एडुपीडिया कह रहे हैं कि भाई हाँ सही बात है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी बेसिक नहीं आता है। भाई आप एडवांस हो सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो उनके लिए तो करना पड़ेगा ना यार। तो थोड़ा सा दूसरे बच्चों के अच्छे के लिए भी सोचो, मतलब सिर्फ अपने लिए ही मत सोचो। मैं चाहता तो सारे सवाल करा भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक आध सेशन में थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूँ आपके, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के। तो नाइन डिविजिबल हुआ, मैंने बताया। टेन का क्या होगा? है टेन का, हाँ यूनिट डिजिट अगर जीरो होगा तो, यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो वो क्या होगा? टेन से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो वो क्या है? टेन से डिविजिबल है। इलेवन का करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इलेवन का जो डिविजिबल रूल है उसको देखो एक बार। हाँ रूल ऑफ ट्रिपलेट बताऊंगा, लेकिन ये सीख लो ना, ये भी तो सीख लो, ये आगे काम आएगा। देखो एक और सवाल था इसमें, दिक्कत ये है क्या? हाँ नहीं नहीं बाकी तो खैर उससे हो जाएगा वो, लेकिन एक बार सीख लो इसको। 11 का क्या होता है? आपको अल्टरनेटिव जो प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं ना, उनके सम का डिफरेंस लेना पड़ता है। समझ लो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको 11 का डिविजिबिलिटी देखनी है, 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो क्या करना होगा? 1 2 3 1 2 3, मान लो एक नंबर है, तो आपको अल्टरनेटिव नंबर पे जो सम है, ठीक है, जैसे कि 1 3 और 2, और ये हो गया 2 1 और 3, समझ रहे हो? अल्टरनेटिव नंबर पे जो डिजिट्स होते हैं ना, जैसे ये फर्स्ट पे है, ये थर्ड पे है, ये फिफ्थ पे है, उनका सम लो, और फिर दूसरे अल्टरनेटिव पे ये सेकंड पे है, ये फोर्थ पे है,
और ये 6 पे है, तो इनका डिफरेंस इनका सम लो, ठीक है। तो इनका सम कितना आया है, 2 और 3 भाई क्या क्या आया है देखो एक बार, 135 पे क्या क्या है, 1, 3, 4 और 6, और यहां पे कितना है, 2, 1 और 3 -6, तो कितना आ गया डिफरेंस, 0। और जब भी 0 आता है तो हम उसे क्या मानते हैं, डिविजिबल, ठीक है। 0 आता है तो हम उसे क्या मानते हैं, डिविजिबल। जैसे आपको याद होगा, आपने देखा होगा 105 आया था वहां पे, 7 में 105 आया था ना, अगर 105 में मैं आगे जाता तो मैं 5 को डबल करता तो फिर ये 10, फिर 10 में से 10 जाता तो क्या बचता, 0, तो वो डिविजिबल माना जाता है। अगर 0 आता है तो क्या माना जाता है, डिविजिबल। ये समझ में आया आपको, 11 में क्या करना है, अरे भाई 11 में क्या करना है, अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम माइनस में दूसरे अल्टरनेटिव सम्स का जो सम है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो नंबर आएगा उसको 11 से डिवाइड करके देखो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। इंटरेस्टिंग है बल्कि 11 की डिविजिबिलिटी, 12 की क्या होती है बताओ, है हाँ 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी नंबर 3 एंड 4 से डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 एंड 4, एनी नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड 4 विल बी डिविजिबल बाई 12। 13 से डिविजिबिलिटी देख लो, 13 तक करो, मतलब अभी आपको मुझे लगता है अभी जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न हुआ है तो 13 तक मुझे लगता है पता होना चाहिए 13 की डिविजिबिलिटी। 13 में क्या होता है, लास्ट डिजिट जैसे वहां डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, या डबल करके या फोर टाइम करके ऐड करते हैं 13 में, प्रोसेस सेम है जो 7 में किया था। यानी यहां पे क्या करते हैं, 1, 2, 3 हमारे पास में क्या है, 1, 2, 3, तो 3 का 4 टाइम्स करो, 3 का 4 टाइम्स करो। अब जब 3 का 4 टाइम्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, 12, अरे 12 ही तो बनेगा हाँ। अब इसको ऐड करो, 1, 2, 3 1 बाई 1, 2, अब 12 को ऐड कर दो तो ये आ गया आपके पास में 1, 2, 3, 2, 4, ठीक है। फिर इसका क्या कर दो, 4 टाइम्स कर दो, क्या होगा, 16। हाँ अब जो 4 टाइम करना है, यहां पर वहां पे 2 टाइम था 7 में, यहां 4 टाइम, वहां सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, यहां ऐड करना है, तो यहां क्या है 4, अब 4 का 4 टाइम कर दो, ये क्या 16, तो 1, 2, 3, 2 इंटू इसमें 16 ऐड कर दो, यही तो बचा रेस्ट ऑफ नंबर। तो यहां पे क्या बना, 1, 2, ये क्या बना 6, 4, 8, अब 8 का क्या कर दो, फिर से 4 टाइम कर दो, एंड देन उसका क्या होगा 32, तो 124 इंटू 32, ये क्या बन गया आपके पास में 156, क्या बन गया आपके पास में 156, ठीक है। 1, 2, 3, 2 हाँ हाँ, कोई गलती हो गई कैलकुलेशन में, कोई मिस्टेक हुई है, देखो मैंने क्या बताया, 1, 2, 3, 1, 2, 3 था, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 12, 12 को रेस्ट ऑफ नंबर में ऐड किया तो 1, 2, 3, 2, 4 हो गया। अब 1, 2, 3, 4 में फिर से वही चीज रिपीट करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 होगा, 16 को फिर रेस्ट ऑफ नंबर में ऐड कर दो, फिर अब 8 को क्या कर दो, 4 टाइम कर दो तो 32, अब 32 को फिर से ऐड करो 1, 2, 4 में, ये कितना आ गया 156, ठीक है। अब प्रोसेस और करते रहो, ठीक है, अब चाहो तो यहां पे वो सब्ट्रैक्ट हो डिवाइड हो रहा है वो, लेकिन फिर से कर लो 156, 156 में अब क्या करोगे आगे बोलो बताओ, फिर से 6 को क्या करेंगे, 4 से 6 चौक 24, तो 15 इंटू 25, ये कितना हो गया 39, तो डिवाइड हो रहा है 13 से, हाँ डायरेक्ट से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से किसका डिवीजन होता है 13 से। देखो हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया, दिस क्वेश्चन इज डन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7, 11, 13, सॉरी मतलब ये तीनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक बार रिवाइज करोगे मेरे साथ में, 2 से डिवीजन कब होता है, जब इवन नंबर हो यूनिट डिजिट, ठीक है, या मतलब ठीक है जो यूनिट डिजिट इवन नंबर हो या टोटल ओवरऑल इवन नंबर हो, 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कब होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय द 3। 4 से कब होगा, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। 5 से डिवाइड कब होगा, जब यूनिट डिजिट 0 और 5। 6 से कब होगा, जब 2 और 3 से डिविजिबल होगा। 7 कब होगा, 7 में क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल करके रेस्ट ऑफ नंबर से घटाते चलना है, जब तक कि आप एक ऐसे नंबर पे ना पहुंच जाएं जो क्या तो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा।
ठीक है सर, वन थर्टी थ्री इट सेवन, क्या क्या लिख दिया इन्होंने, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, सब ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी मैं कहाँ था भाई, एट में, एट में क्या होगा, लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई द एट, तो वो एट से डिवाइड होगा। नाइन में क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाई नाइन, नाइन और थ्री का रूल सेम है, ठीक है। उसके बाद मैंने टेन का बताया था, यूनिट डिजिट इज जीरो, तो टेन। इलेवन में क्या हुआ था, अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम करते हैं, तो जो इवन पोजिशन पे डिजिट्स होंगे और जो ओड पोजिशन पे डिजिट्स होंगे उनके सम का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यू गॉट दिस पॉइंट। 12 में क्या होगा, 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से होगा। 13 में क्या होगा, यूनिट डिजिट को 4 टाइम्स करके रेस्ट ऑफ नंबर में ऐड करते चलना है, और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक कि वो नंबर क्या तो 13 से डिविजिबल ना हो जाए, या फिर क्या तो डिविजिबल हो जाएगा या फिर नहीं होगा, उस तक वहां तक आपको जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने मुझे पता है मैंने कम क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आप ये सोचो कि हमने सीखा कितना है। मुझे पता है, मुझे पता है कि मैंने कम क्वेश्चन कराए, लेकिन मुझे बताओ इस इन इन चीजों के बिना आप सवाल कर लोगे क्या? उस क्लास का क्या मतलब है, मैं मेरे लिए आ रहा हूं क्या? आई एम हियर फॉर यू। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो इस क्लास का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो दैट्स वाई थोड़ा सा परेशान ना हो, तेज बढ़ा देंगे यार, पेस अप कर देंगे, टेंशन मत करो। एक और सवाल कर लेता हूं अभी, है ना, चलो एक और दिखा देता हूं, बाकी अब आसान है, अब मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा आप लोगों को, अब कोई टेंशन नहीं है, है ना। देखो ये वाला सवाल कर लो एक फटाफट, अगर एक सवाल और कर लेते हैं चार सवाल हो जाएंगे, फटाफट ये सवाल बताओ मुझे, ये तो बिल्कुल आसान है। 85, 87, 89, 91, 95, 96 डिविजिबल बाई 100 पूछ रहा है आपसे, तो क्या आएगा रिमाइंडर, क्या आएगा ये सवाल पूछ रहा है। कोशिश करो फैक्टर बनाने की भाई, 100 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट में दो पेयर आ जाएंगे। 100 से डिविजिबल कब होगा, जब 2 एंड 5 के दो पेयर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, 100 से डिविजिबल हो जाएगा भाई। 100 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब यहां पे 100 से डिवाइड करो यहां पे दो जीरो हो, मतलब यूनिट प्लेस पे और 10 प्लेस पे दो जीरो होंगे, तभी तो 100 से डिविजिबल होगा वो। और यहां पे दो जीरो कब आएंगे, जब इन 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 नंबर में दो के दो पेयर हो और पांच के दो पेयर हो, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, दो, हाँ मतलब दो 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 बार दो दो हो और दो बार पांच पांच हो, तब वहां पे वो चीज बन जाएगी। नहीं नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, देखो क्यों नहीं बनेगी, देखो यहां पे पांच है, यहां पे पांच है, और अरे 96 में 96 भी तो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा। देखो ये 85 क्या लिख सकते हो आप, 17 × 5, बाकी नंबर ऐसे कैसे रख दो, 91 × 95 क्या होगा, 19 × 5, और 24 क्या लिख सकता हूं मैं, 16 × 4। अब देखो ये कितना होगा, 25, और ये कितना हो गया, 100। तो देखो नंबर क्या आया, 17 × 87 × 89 × 91 × 19 × 16 मल्टीप्लाई में 0 0। देखो ना, ये पांच, ये पांच 25, और ये 400, तो दो जीरो आ गए अपने आप नंबर में, मतलब इसको 100 भी बोल सकता हूं, तो जीरो कहां हुआ मालिक, ये दो से डिवाइड हुआ। अरे इधर जीरो लगा है यार, 500 जीरो हो गया क्या नंबर, ऐसा है ये नंबर तो, रिमाइंडर ना, हाँ हाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछ रहा है, हाँ तो ये दो से दो कट गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, हाँ ये सही कह रहे, ये सही कह रहे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, रोशन बाबू जीरो। रोशन तो यार बहुत इंटेलिजेंट लड़का है भाई, बहुत अच्छे लड़के हैं, घोड़े से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, ये बेसिक था यार, ये करना बहुत जरूरी था, आगे तो मैं कर ही दूंगा यार, ये सवालों में तो क्या है, इतना जोर थोड़ी है। एक और सवाल करो, चलो एक और करता हूं। नो सर इट्स क्लियर, गुड 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 वर्षा जी गुड। देखो मैं ये बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो ना कि सिविल डेली मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें लाएं आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, आप इस सेशन को सपोर्ट करो, जितने व्यू आएंगे सिविल डेली उतना मुझे बोलेगी कि यार आप बच्चों के लिए कुछ करो, और ये कोर्स लाने का एक ही तरीका था यार, बच्चे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं, भगवान जाने। अब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जिससे सवाल बनेगा, बिल्कुल मिनिमम कंटेंट, मिनिमम कॉन्सेप्ट्स, और ज्यादातर यूपीएससी के सवाल, और कोई सवाल ही नहीं करा रहे, तो वो चीज है, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो सेशन को, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल स्थिति खराब हो जाएगी। ये नंबर देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ, एक सवाल और कर लेता हूं, पांच पूरे हो जाएंगे, शगुन हो जाएगा ना एक, ठीक है एक सवाल और कर लेता, एक सवाल और करते हैं। What is the sum of all four digit number less than 2000 formed by digit 1, 2, 3, 4 where none of digits is repeated?
आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, इसमें इतने मुश्किल सवाल नहीं है। अरे फोर फैक्टोरियल कैसे आएगा, रुको ध्यान से। तो ये क्या कह रहा है, 2000 से छोटा होना चाहिए, वो नंबर 2000 से छोटा होना चाहिए, ध्यान से सुन लो मेरी बात सभी बच्चे, दैट नंबर शुड बी लेस देन द 2000, ये बात बोला है। चार डिजिट का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, चार डिजिट का होना चाहिए, और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, कोई भी डिजिट क्या ना हो, रिपीट ना हो। तो सबसे पहले मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा बहादुर बच्चा है जो ये बता सकता है कि ऐसे कितने नंबर होंगे। अगर मान लो यूपीएससी ये कह दे कि हाउ मेनी नंबर्स विल बी अवेलेबल जो चार डिजिट के होंगे, एक दो तीन चार से बने होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे, 2000 से छोटे होंगे, कितने नंबर होंगे ऐसे, कोई बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 2000 से छोटा होना होगा तो यूनिट डिजिट उसका, सॉरी पहला डिजिट था ना उसका, वन होना पड़ेगा भाई, 2000 छोटे है ना, तो 1100 1200 ऐसे ही होंगे, यानी यहां पे कुछ ऐसा नंबर बनना चाहिए, वन सम एक्स सम वाई सम जेड, कुछ ऐसा, यही बनेगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को? अब मुझे बताओ कि ये वन हो गया, अब देखो इस पोजीशन पे आते हैं, अरे ध्यान से सुन लो भाई, इधर देख लो, कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लो भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, लेकिन मैं उसको प्रेफर ही नहीं करता, मैं वैसे ही आंसर निकाल दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल सही है, छह आएंगे। देखो एक एक तो ऐसे कैसे आ गया, यहां पे तो एक को ही होना पड़ेगा। अब ये x है, अब इस x में दो तीन चार में से कोई भी एक बैठ सकता है, यानी आपके पास में कितने चॉइसेस हैं इसको यहां पे बैठाने की, तीन चॉइस है। अब एक फिक्स हो गया, यहां पे भी एक फिक्स हो गया, अब y जगह कितनी चॉइसेस हैं आपको, दो चॉइस है, और z पे कोई चॉइस नहीं होगी, वो एक ही चॉइस बचेगी क्योंकि आपका डिजिट ही एक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, सिक्स, ठीक है, कितने कितने हो गए, सिक्स हो गए, समझ में आ गया। ये सवाल बहुत तरीके से हो सकता था, जब मैं आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन की थ्योरी बताऊंगा किसी चैप्टर में, तब आपको मैं सिखा दूंगा वो। तो 1 × 3 × 3 × 2 × 1, तो सिक्स ही नंबर होंगे ऐसे जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। फटाफट बनाए उन नंबर को, फिर उनका क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो फटाफट बनाओ उन नंबर को एक बार मेरे साथ मिलकर के। देखो एक नंबर तो यही बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दो एक नंबर, तो एक नंबर विल बी 1 2 3 4। दूसरा, अब देखो ये तो वन वन हमेशा फिक्स रहेगा भाई, वन तो फिक्स रहेगा, तीन छह के छह नंबर में वन फिक्स रहेगा, आपको नंबर बदलेंगे 2 3 4 में, मतलब ऑर्डर बदलेगा इनमें, समझ रहे हो ये बात सभी बच्चे, सभी समझ रहे हैं? देखो अगर मैं टू को यहां फिक्स कर दूं तो हम क्या करें, हाँ ये सही है, ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे आ रहा है वो समझ लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भी नहीं पता है कैसे आ रहा है। आपको ये समझ में आया कि छह ही नंबर बनेंगे ऐसे, दिमाग कैसे लगाया मैंने, यूनिट डिजिट वन होना पड़ेगा, फिर तीन पोजीशन पे तीन नंबर बचे थे, तो एक 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 जगह तीनों में से कोई आ सकता था, फिर वो भी सेट हो गया, तो फिर दो ही बचे। बताया आपको मैंने तीन दो ही क्यों लिए, क्योंकि साफ कह रहा है कि रिपीट नहीं होने, अदरवाइज में क्या होता, तीनों जगह तीन तीन आ जाते, अगर रिपीट होने को बोलता तब तो क्या दिक्कत थी, एक एक्स वाई जेड, यहां पे भी तीनों में से कोई आ सकता, यहां पे भी तीनों में से कोई आ सकता, यहां पे तीनों में से कोई आ सकता, फिर पता है कितने नंबर होते, तो अगर डिजिट रिपीट होते तो कितने नंबर बनते, 27, समझ रहे, तो कितने बनते, 27 बनते, और अभी कितने बन रहे हैं, 6, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये देखो 1 2 3 4, एक बार रिपीट चेंज कर लो इसको, 4 3 कर लो, 4 इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, यहां पे चेंज कर लेते हैं। इस बार ऐसा करो, इन दोनों में चेंज मत करो, इन दोनों में चेंज कर लो, तो 1 1 4, अरे 4 यहां आ गया, 3 तो यही है, 2 ये आ गया, ठीक है। अब इसी में और चेंज दिखा देता हूं, 1 4 ये दो चेंज कर लो, 2 3, ठीक है। इस बार ऐसा करो, इन दोनों को चेंज कर लो, तो 1 1 3 2 4, और फिर इस बार इन दोनों को चेंज कर लो। मैं तो अपने दिमाग में मतलब पहले ये चीज बना के रखता हूं कैसे मैं इनको निकाल पाऊंगा, आसान है, 6 नंबर बन गए, 6 नंबर बने कि नहीं, तो ठीक है। और अगर आप और अगर रोशन मैं आपको ट्रिक दूं तो ये है कि भाई देखो पहले एक तो सब में फिक्स था, यहां पे पहले दो जगह दो फंसा लो, फिर बचे दो को इंटरचेंज कर दो, फिर यहां चार फंसा लो, फिर बचे को इंटरचेंज कर दो, तीन फंसा लो, दो को इंटरचेंज कर दो, ज्यादा आसान तरीका है ना, सबको जोड़ लो, क्या आ जाएगा,
1 7 9 9 8 मुझे बताओ यार, अपने दिल पे हाथ रखे कहो, क्या सच में ये पेपर टैकल नहीं हो जाता? 10-15 क्वेश्चन ठीक कर देते यार, बाकी पैसेज कर देते, क्या हो रहा था? इस बार फेल हो गए बताओ मुझे, इस बार फेल, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या था इस पेपर में, बताओ यार। हो जाता है यार, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और हम तो वैसे ही फेलियर हैं, आप लोग, हम तो तुमसे ही उम्मीद रखे हुए हैं, हमारे कोई बच्चे बन जाएंगे तो फायदा पहुंचेगा, नहीं? ठीक है, बच्चों को ये है, समझ में नहीं है कि 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार रुपये कोचिंगों के अंदर फीस दे रहे हैं सी सेट पढ़ने की, और वहाँ पे तो भाई साहब AIR 1 ही पढ़ा रहा होगा शायद, तो इतनी वो देखना पड़ेगा। सब जगह वही हाल है, ये इनिशिएटिव, आई एम इकोनॉमिक्स फैकल्टी बट स्टिल ऑन माई पर्सनल एडवेंचर मैंने ये स्ट्रेस लिया है फॉर जस्ट हेल्पिंग नीडी स्टूडेंट्स जिनके पास 10,000-15,000 रुपये फीस नहीं है, ये है। ठीक है, ये पेपर डुएबल था, 15 क्वेश्चन बनाने थे यार, देखो पैसेज के अलावा 15 सवाल बनाने थे, और 15 सवाल मैं खुद बताऊंगा जो बन सकते थे, ये सवाल बन सकता था, ठीक है, ये सवाल बन सकता था, और देखो ये भी बन सकता था, इसमें भी बस अगर आपको पता होता तो मल्टीप्लाई वाला पता होता तो बन जाता, ठीक है, और ये सारे सवाल बन, मतलब ये सारे तो नहीं कहूंगा पर कुछ कुछ ये वाला बन सकता था, अगर आप 1-2, 1-2 नहीं लेते और आपको डिविजिबल रूल पता होते तो बन जाता। और जैसे आपने जो बोला इसको दूसरे तरीके से, इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप किसी भी, जब जो अगर ऐसा रिपीटेशन होता है ना 3 डिजिट में, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं XYZ × 101, ऐसे लिख सकते हैं XYZ × 1001। अरे इसको ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना यही आ जाएगा सर, इसमें 6 डिजिट नंबर कोई भी ले सकते हैं। हाँ कोई भी, 6 के 6 पे 0 लेंगे? अरे 0 नहीं लेने भाई, 0 नहीं लेने, वो नहीं, 0 नहीं लेने, वो 6 डिजिट बचेगा ही नहीं ना, वो 0 डिजिट हो गया भाई, तुम 6 बार 0 लिख लो, लो ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये 1 ले लो, 1 ले लो, लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ होमवर्क है ये तुमको, लो करो घर से ट्राई करना इसको, कि देखो आएगा 7, 11, 13 से डिविजिबल हो गए, ये पेपर डुएबल है यार, ऐसी बात नहीं है, कर लेते हम लोग 15 सवाल तो कर ही लेते आराम से। और अब 23 का पेपर मैं बना के दिखाऊंगा, सपोर्ट करो यार, बहुत सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई। यहाँ सिंपल सी बात है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना तो वो सबसे घटिया टीचर है। टीचर यहाँ, अब मैं तो सिंसियरली से पढ़ा रहा हूँ, हम तो नाच भी नहीं रहे, कॉमेडी भी नहीं कर रहे, थुमक भी नहीं रहे, शेर शायरी भी नहीं कर रहे हैं भाई, मैं शेर शायरी करूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हमारा क्या है भाई, जिस दिन तुम लोग व्यू बंद कर दोगे एक बार इंस्टीट्यूट भी बोलेगा भाई ठीक है भाई मास्टर जी अब जाओ, बच्चे ना देख रहे आपका शो, तो वो है हमारा शो तब तक चलेगा जब तक आप लोग देखेंगे ये, तो इसको सपोर्ट करो यार, है ना। और कल मैं बचे हुए सवाल करूंगा, और भी सवाल एड ऑन कर दूंगा, आज मैंने थ्योरी मोर और लेस मैंने सारी थ्योरी कवर कर ली है, कल मैं आपको टाइप ऑफ नंबर्स बताऊंगा जिससे आपका नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी साल के पेपर उठा के देखो, यही पूछा उसने, क्या तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है या रिमाइंडर पूछ रहा है, ये सभी तो पूछ रहा है। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं ना, बहुत लेट हो गया, मिलते हैं अगले सेशन में। अरे यही बहुत है, कर लो इनको ही दे दूंगा कोई बात यार ये सिंपल सी बात है, इसी के आसपास घूमेगा पेपर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बढ़ेंगे लेकिन इजी वाले भी रहेंगे ना। चलो मैं जाता हूँ, है ना, तुम लोग मदद करो। और आप ये कहाँ रह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल करूँगा, थर्ड बाग है ना, तो जो जो को जो यहाँ है वो रेगुलर आओ, आपको सी सेट निकलेगा बहुत स्मूथली, बिना कोई हेडक मक्खन निकलेगा, टेंशन मत करो, इतना सिखाया है ये निकालना है, दिमाग कहीं ना कहीं बात काम कर जाएगा आपका, टेंशन मत करो। अब रिमाइंडर से घबराओगे नहीं, रिमाइंडर से कूल हो गए, कितनी पावर ओवर आए, या तो ट्रिक बैठेगी नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड तो है। ठीक है चलो, बहुत अच्छा सर, पैसे से भी जाते हुए ले लेना, फर्स्ट टाइम दे रहे ना तो आइडिया नहीं है, हाँ लेंगे लेंगे लेंगे।